आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। खबर आप। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बलौदाबाजार जिले के पलारी विकासखंड के ग्राम सलौनी में बड़ी मात्रा में गंदगी फैली हुई है। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पलारी से विकासखंड से 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सलौनी के पंचायत कार्यालय में सभी तरफ इतनी मात्रा में गंदगी फैला हुआ है कि वहां पर आवागमन बंद हो गया है, जिसमें कार्यालय के आसपास इतनी मात्रा में गंदगी और कीचड़ है कि वहां के लोग पंचायत जाने के लिए भी सोचते हैं। जिस पंचायत में पूरे गाँव का कार्य होना है, वहाँ के हितग्राहियों का कार्य नहीं हो पाता। यहाँ पर आपको बता दें कि पंचायत ऑफिस को ही कांजी हाउस बना दिया गया है, जिसमें सरपंच सचिव ध्यान नहीं दे रहे और 3 महीनों से ग्राम पंचायत में एक भी मीटिंग नहीं हुआ है। वहाँ पर जो भी बैठक का काम होता है, वह स्कूल के संकुल केंद्र पर होता है, जिसमें सरपंच श्री भिखारी देवदास, सचिव श्री लीलक लहरी, उप सरपंच श्री तुलसीराम बंजारे, जिसमें पंचगढ़ बीसे साहू, ब्रिजलाल पैंकरा, भुवनेश्वर डहरिया की उपस्थिति में होता है। लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि यह पंचायत के पदाधिकारियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। RNN News के लिए बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक से चेतन पुरेना की रिपोर्ट। आपको हम ले चलते हैं सवालों की दुनिया में और जानते हैं क्या है आज की सवाल और कौन है सवालों की दुनिया के विजेता। सवालों की दुनिया के प्रायोजक हैं श्री राम ज्वेलर्स, सोने एवं चांदी के आभूषणों की विक्रेता एवं श्याम बर्तन एवं इलेक्ट्रॉनिक दुकान, गायत्री मंदिर के सामने, रजगा मार्ग, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, मैं हूं राम नगारची और हम फिर से लेकर के आ गए हैं आपके लिए आपका अपना खास कार्यक्रम सवालों की दुनिया। आज का हमारा सवाल है, कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा कब हुआ था, और इस सवाल का सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा रजगा मार्ग के श्री राम ज्वेलर्स की तरफ से एक आकर्षक उपहार। तो चलते हैं लोगों के बीच में और देखते हैं कौन है हमारे सवालों की दुनिया के विजेता। जी भैया बताएंगे, कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा कब हुआ था? जानकारी 2011 कब हुआ था? सन 2011। श्योर है? हाँ श्योर। जी सर बताएंगे, कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा कब हुआ था? 2008। श्योर है? श्योर। तारीख क्या है? तारीख 29 सितंबर ऐसी कुछ है। सर बताएंगे, कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा, इतनी बड़ी जो हादसा हुआ था, कब हुआ था? 2007 में हुआ था शायद। जी सर बताएंगे, कोरबा जिले में जो चिमनी हादसा हुआ था बालको में, हाँ, कब हुआ था? दशहरे के दिन हुआ था, बस दशहरे षष्ठी के दिन। सर आपको डेट बताना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये 2011 की बात है। गलत है। मैं अभी अभी वर्तमान कुछ समय पहले जो चिमनी हादसा हुआ था बालको में, कब हुआ था? वो भी 2009-10 का है। कंफर्म डेट और सन बताना है। अब कंफर्म डेट नहीं बता सकता भैया, सन बता सकता हूँ आपको। नहीं डेट भी बताना है। अरे भैया डेट नहीं बता सकता आपको। आप हमारा आरएनएन न्यूज़ चैनल देखते हैं? देखता हूँ भैया, सब्सक्राइबर हूँ भैया मैं। चैनल मेरे को बहुत अच्छा लगता है भैया। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से रजगा मार्ग वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? अरे नहीं भैया, ये बहुत अच्छा चैनल है, इससे मेरे को ना, मैं बाहर में भी रहता हूँ, जुड़े खबर मेरे को पहुँच जाता है भैया मेरे तक। हाँ जी सर बताएंगे, कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा जो हुआ था, कब हुआ था? तारीख सही बताना है। तारीख सन तो 2009 में हुआ होगा। तारीख बताना है सर? तारीख तो नहीं है पर नहीं पता। आप हमारा चैनल देखते हैं RNN News? देखता हूँ। कैसा लगता है? ठीक लगता है। सर बताएंगे, कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा जो हुआ था, कब हुआ था, उसका डेट और सन? अरे यार, उसका डेट और सन तो अपन को फिलहाल मालूम नहीं है भाई। नहीं नहीं, नहीं। कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा जो हुआ था, कब हुआ था? 9 सितंबर को। कन्फर्म है? कन्फर्म 7 या 9 को। जी सर बताएंगे, कोरबा जिले में अभी जो बालको चिमनी हादसा हुआ था कुछ समय पहले, कब हुआ था? 2009 में हुआ था। डेट भी बताइए। डेट याद नहीं। जी सर बताएंगे, कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा जो हुआ था, कब हुआ था, उसका डेट और समय बताना है। ये याद तो नहीं है, लेकिन आपको मालूम है सर, अभी अभी हादसा हुआ था? हाँ हाँ, चिमनी हादसा। उसी दिन मैं वहाँ से छुरी में मेरी लड़की पढ़ती थी, मैं उसको लेने गया था, उधर से आया हूँ, उसके बाद यहाँ हल्ला हुआ, चिमनी गिर गया, तो देखता हूँ तो एक चिमनी दिख रहा है। अब डेट मेरे को याद नहीं आ रहा है। सर आप हमारा RNN News चैनल देखते हैं?
हमारा चैनल देखते हैं? चैनल देखते कैसा लगता है सर? बहुत बढ़िया है सर। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? ये बढ़िया है, मतलब आप सबको यही है, स्वच्छता बनाए रखें, प्लास्टिक का उपयोग न करें। बताएंगे कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा कब हुआ था? जी सर बताएंगे कोरबा जिले में पालको चिमनी हादसा कब हुआ था? 2009 में। डेट भी बताना है। डेट शायद तक 21 सितंबर या ऐसी कुछ। ये शायद तक अगस्त नहीं तो सितंबर के बीच हुआ था। ये बताएंगे कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा कब हुआ था? 2009 में हुआ था। डेट भी बताना सर आपको। 23 सितंबर 2009 है क्या? 23 को नहीं पता सर, आपको बताना है डेट। 23 सितंबर 2009 को हुआ था। कंफर्म है सर? कंफर्म कंफर्म। लॉक कर दिया जाए? एकदम लॉक कर दीजिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार मिश्रा है। प्रभात कुमार सर, कहाँ रहते हैं आप? मैं ही रजगामा रहता हूँ। आप हमारा आरएनए न्यूज़ चैनल देखते हैं? हाँ देखता हूँ। कैसा लगता है? अच्छा, बढ़िया है। लोगों को कोई संदेश? संदेश ये है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी साहब जो है प्रधानमंत्री जी हमारे पॉलीथीन के बारे में सक्रिय कर रहे हैं सबको, तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पन्नी का उपयोग ना करें, अपने घर से थैला लें, सामान खरीदें और फिर जो है अपना काम करें। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, प्रभात कुमार मिश्रा जी ने हमारे चैनल में सही जवाब दिया है, उन्हें दिया जाता है रजगा मार से मेन रोड के श्री राम ज्वेलर्स की तरफ से एक आकर्षक उपहार। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों आज का हमारा सवाल था कोरबा जिले में बालको चिमनी हादसा कब हुआ था, और इस सवाल का सही जवाब है 23 सितंबर 2009, और इस सवाल का सही जवाब दिया है मिश्रा जी ने जो कि रजगा मार से हैं, जिन्हें दिया जाता है रजगा मार के श्री राम ज्वेलर्स की तरफ से एक आकर्षक उपहार। आरएनएन न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, जिले की तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना खास चैनल आरएनएन न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।